पेंशनधारियों का यह भुगतान किया जा चुका है। और अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि ये चीज अब सतत रूप से चलता रहेगा, अब इसमें कोई कठिनाई नहीं रह गई है। इसके अलावा जो जो जिन लोगों का आधार या खाता छूट गया था, तो वो अब हम लोगों ने 2-3 कैंप भी किया है इस बीच में, और उसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों का आधार और जो बैंक खाता है वो हम लोगों ने हासिल कर लिया है, उसको लगा दिया है, और इसी कारण से हमारी जो संख्या जो है 62 लाख तक पहुंच गया है। ये सारी जो समाज कल्याण की सारे जो स्कीम्स हैं, 8 उसमें महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, स्कीम्स हैं जो सारे के सारे RTPS के साथ साथ उसकी एक उन्नत राइट पर्सन एक है, जिसमें कि वो घर बैठे भी लोग कर सकते हैं, वो सर्विस प्लस, ये सारे सर्विस प्लस पर भी आ गए हैं। मतलब जो पहले RTPS के काउंटर पर जो जा करके लोगों को अपना आवेदन देना होता था, अब उसके जगह पर वो सर्विस प्लस में वो कोई भी किसी भी जगह पर जा करके, उनको कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्लॉक के उसी काउंटर पर जा करके जमा करें अपना आवेदन, वो कहीं से भी साइबर कैफे किसी भी जगह से वो जा करके कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी ये हुई है कि नियमित तरीके से राज्य के सभी जिलों में, प्रायः सभी जिलों में निशक्ता आयुक्त, राज्य निशक्ता आयुक्त के द्वारा चलंत न्यायालय आयोजित किया गया है, जिसमें अभी तक 21 चलंत न्यायालय आयोजित हो चुके हैं, और उसमें लगभग 23,000 ऐसे लोग हैं जिनको दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है, और उसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में लोगों के मामले का भी निष्पादन 3,000 रुपये दिया जाता है, ताकि वो सम्मानपूर्वक तरीके से दाह संस्कार कर सके। इसलिए कुछ समय से इसमें कठिनाई आ रही थी, और उस कठिनाइयों को रिजॉल्व कर दिया गया है, और वर्तमान में व्यवस्था यह की गई है कि प्रत्येक पंचायत में 5 व्यक्तियों के लिए अग्रिम राशि एक स्टैंडिंग ऑर्डर के रूप में, एक स्थायी अग्रिम के रूप में राशि उनको दे दिया गया है। प्रत्येक पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर परिषद में, सब जगह उनको 5 लाभार्थी के लिए 5 मामलों को उसी समय भुगतान कर देने के लिए ये अग्रिम दे दिया गया है। उसके अतिरिक्त एक ई सुविधा पोर्टल भी विकसित कर लिया गया है, जिसमें कि इस योजना को जोड़ दिया गया है। अब कोई भी नया मामला जो आएगा वो उसमें उसको अंकित करके, और यहीं से राज्य स्तर से ही उसमें सीधे हम लोग DBT कर सकते हैं, उसके खाता में राशि जा सकती है। ये खाता में चूंकि ये तो जमीन पर जैसे ही कोई मामला आता है तो उसी समय वो 3,000 रुपया उसको दे दिया जाएगा नगद, तो ये जो DBT होगा, ये DBT पंचायत जिसने भी वो 3,000 रुपया दिया, वो पंचायत हमारा दिया या नगर परिषद ने दिया, उसके खाते में वो सीधे पैसा चला जाए, ताकि वो एडवांस जो स्टैंडिंग एडवांस है वो रिकूप होता रहे। दूसरा एक और उपलब्धि हम लोगों ने यह हासिल किया है कि अब हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो ज़्यादा कारगर तरीके से और उसमें कम से कम त्रुटि रहे, उसके माध्यम से, एक नई माध्यम से हम लोग अब उसको पेंशन भुगतान प्रारंभ कर चुके हैं, और लगभग 62 लाख लोगों का पिछले क्वार्टर का भुगतान हम लोग कर चुके हैं, मतलब कि दिसंबर तक का भुगतान उनको किया जा चुका है 62 लाख। अभी हमारे विश्व बैंक संपोषित एक योजना है, जिसके तहत बुनियाद केंद्र का निर्माण, सभी अनुमंडल में एक बुनियाद केंद्र का निर्माण चल रहा है। अभी हम लोगों के करीब 50 बुनियाद केंद्र के भवन निर्मित हो चुके हैं, शीघ्र ही हम लोग उसका उद्घाटन और उसका संचालन प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावे हमारे अभी 4 ऑब्जर्वेशन होम, पर्यवेक्षण गृह भी निर्मित हो चुके हैं। ये पर्यवेक्षण गृह जो है वो जुवेनाइल्स, जो हमारे जो बाल अपराधी जो होते हैं, उनको उनके आवासन के लिए है, उनको रखने के लिए है, वो हम लोग 4 जगह अभी निर्मित हो चुके हैं, उसका भी संचालन हम लोग जल्दी कर देंगे।
और प्रायः ये देखा जाता है कि बड़े बच्चे और छोटे बच्चों को अलग अलग नहीं करने से कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, तो उसके को ध्यान में रखते हुए इनमें से हम लोग प्लेस ऑफ सेफ्टी में भी इसको परिणत करके चलाएंगे। इसके अलावा एक वृद्धाश्रम जो है करीब 100 बेड का एक वृद्धाश्रम हमारा पटना के में ही वो बन करके तैयार हो गया है, उसमें भी उसका भी हम लोग बहुत जल्दी ही उसका संचालन हम लोग प्रारंभ कर देंगे। ये मुख्य मुख्य उपलब्धियां जो